नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई अभिनेताओं और उद्योगपतियों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। वहीं अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो इस समय नरेंद्र मोदी हैं, तो उनकी सुरक्षा में एसपीजी जवानों को तैनात किया जाता है। उनका पहरा इतना सख्त होता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुरुष कमांडो ही नहीं बल्कि महिला कमांडो भी मोदी की सुरक्षा में रहती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी एक महिला सुरक्षाकर्मी की फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। वायरल तस्वीर संसद के अंदर की बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी महिला कमांडो की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और लिखा, लेडी एसपीजी। बता दें, यह तस्वीर सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र की है। महिला एसपीजी कमांडो आमतौर पर संसद के गेट पर लेडी विजिटर्स की फ्रिसिंग के लिए तैनात रहती है। वे संसद परिसर में आने जाने वालों पर निगरानी का जिम्मा संभालती हैं। वहीं इंटरनेट पर अटकलें लग रही हैं कि यह महिला कमांडो पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा है। हालांकि एसपीजी कमांडो की पहचान, उनकी मूल सर्विस और तैनाती को लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसपीजी में अभी करीब 100 महिला कमांडो हैं। वहीं तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में महिला कमांडो तैनात की गई है, लेकिन यह सच नहीं है। महिला कमांडो कई सालों से एसपीजी का हिस्सा रही हैं। 2015 से ही महिलाओं को क्लोज प्रोटेक्शन टीम में तैनात किया गया था। 2017 में भी महिला कमांडो पीएम मोदी के करीबी सुरक्षा घेरे में तैनात थीं। तब उनके हिमाचल दौरे की तस्वीरों में भी महिला कमांडो दिखाई दी थी। वहीं 2017 में पीएम मोदी जब 4 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे, तभी उनके सिक्योरिटी डिटेल में महिला कमांडो तैनात थी। आप बता दें, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सीधे भारत सरकार के अंदर आती है। इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपने ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद की गई थी। करीब 3000 कर्मचारियों वाली एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। पहले एसपीजी सुरक्षा के दायरे में पीएम के माता पिता, जीवन साथी और बच्चों को भी शामिल किया जाता था। हालांकि 2019 में एसपीजी एक्ट में बदलाव कर यह प्रावधान हटा दिया गया। अब सिर्फ पीएम के साथ उनके आधिकारिक आवास पर रहने वाले फैमिली मेंबर्स को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती है। वहीं वर्तमान में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी का सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।